तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मेरा फ़ैन भी चल रहा है और मैं यहाँ पर आपको बोल करके भी यहाँ पर सुना रहा हूँ। इसकी मेरी साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक टीवी। सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया बाई M1 माइक्रोफोन की। सो फ्रेंड यहाँ पर माइक्रोफोन हमारे पास आ चुका है, इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और यहाँ पर इसका रिव्यू करके आपको दिखाऊँगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। सो फ्रेंड लोग कहते हैं यहाँ पर मुझे फ़ैन करके तो ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर फ़ैन ऑन करके वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर मेरा फ़ैन ऊपर चल रहा है और नीचे मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। मेरी जो आप सुन सकते हैं यहाँ पर आइडियो, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड में फ़ैन की ज़रा भी आपको साउंड सुनाई नहीं दे रही होगी। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेवलियर माइक्रोफोन होती है। मैं यहाँ पर आपको फ़ैन ऑन करके और टेस्ट करके दिखाऊंगा बिना माइक की साउंड कैसी आती है और यहाँ पर माइक्रोफोन कनेक्ट करने के बाद साउंड कितना अच्छा हो जाता है, मेरा जो बैकग्राउंड की नॉइज़, जो फ़ैन की जो नॉइस है वो कितना हद तक यहाँ पर रिमूव हो जाता है। सो फ्रेंड जो माइक्रोफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट कंपनी का है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको बाय कर लिया हूँ। यहाँ पर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मैं इसको बाय कर लिया हूँ। यहाँ पर 791 रुपये में ये माइक्रोफोन हमें मिला है, लेकिन इसका जो रेट है काफ़ी हाई डाउन होता रहता है, कभी भी इसको 1200-1500 हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ ऑफर चल रहे हैं तो उस दौरान मैंने इसको बाई कर लिया। मात्र आपको 791 रुपये में मुझे ये पड़ा था। इसका बाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो फिर अगला वीडियो हमारा आने वाला है, अगर आप इससे बाई करते हैं तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन से कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, इसका भी वीडियोज आगे आने वाली वीडियोज़ में आने वाली हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना, और हमारे इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा बोया M1 माइक्रोफोन, यहाँ पर देख सकते हैं बोया की ब्रांडिंग है और भी ढेर सारी यहाँ पर आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। जो यहाँ पर आपको प्राइस दिखा दें, यहाँ पर प्राइस 1995 रुपये है, लेकिन मैंने इसको बाय किया है 791 रुपये में। तो चलिए मैं सिंपल से आपको ओपन करके जल्दी से दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो सिंपल से ऐसे इस तरीके से ये पैकेट ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक पाउच है, पाउच के अंदर देखता हूँ आपको क्या मिलने वाला है। पाउच के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैकेट मिलता है जो हमारे इस माइक्रोफोन को जंग लगने से बचाता है। ठीक है, ये रहा माइक्रोफोन, इसमें 20 फीट की इसकी लेंथ मिल जाती है इसके वायर की, और जिसकी वायर की जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इसकी वायर है। ठीक है, ये रहा कंडेंसर, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर बैटरी फिट होती है। चलिए मैं अभी आगे चलता हूँ, इसके आगे मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर वारंटी कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और इसके अंदर आपको मिलने वाला है कुछ छोटी सी पाउच। चलिए मैं पाउच को ओपन करता हूँ, फिर पाउच को ओपन करने के बाद देखता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। पाउच ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये रहा एक ऊपर से फिल्टर है जो हमारे माइक में जो फो इस तरीके के जो साउंड होते हैं उसको फिल्टर करने के काम में आता है। ठीक है, ये रहा हमारा फिल्टर, चलिए मैं फ़िल्टर को साइड में रखता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा जो एक कनेक्टर है जो हमारे बड़े बड़े जो डीजे मशीन होते हैं उसमें जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसका ये कनेक्टर रहा। फिर आगे ये देख सकते हैं एक क्लिप है जो हमारे शर्ट में या फिर कहीं भी इसको इस तरीके से कनेक्ट करके आप इसमें होल्ड कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को। फिर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा बैटरी, इस बैटरी को आपको इसमें लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इस माइक्रोफोन को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैनुअल कार्ड है, इसको आप इसको पढ़ के इसको यूज कैसे करना है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले फ़िलहाल मैं यहाँ पर माइक्रोफोन को सेटअप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आके इसकी साउंड क्वालिटी हम आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कंडेंसर जिसमें आपको एक स्विच मिलेगा नीचे की तरफ, अगर आप इसको स्विच को नीचे की तरफ कर देते हैं तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। ऊपर लिखा है कैमरा, कैमरा वाले पे इस तरीके से आप स्विच कर देंगे तो आप कैमरा या कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कनेक्ट करके इस माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब हम माइक्रोफोन को कैमरा मोड में यूज करेंगे तो ही हमारी बैटरी यहाँ पर यूज होती है, अगर हम यहाँ पर स्मार्टफोन के मोड पर इसे नीचे की तरफ करके इसको यूज करेंगे तो मेरी बैटरी यूज नहीं होती है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं इसकी जो
साउंड क्वालिटी कैसी है और जो बैकग्राउंड नॉइस है कितना हद तक ये रिमूव करता है। तो चलिए मैं फ़ैन को ऑन करके फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वीडियोस को आपको चेक करके दिखाऊंगी इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए मैं पहले आपको फ्रंट कैमरे को तरफ चलते हैं, फिर वहाँ पर आपको दिखाते हैं मेरा ऊपर फ़ैन भी चल रहा होगा और मैं नीचे की तरफ वीडियोज़ भी यहाँ पर शूट कर रहा होऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर मेरा फ़ैन भी चल रहा है और मैं यहाँ पर आपको बोल करके भी यहाँ पर सुना रहा हूँ, इसकी मेरी साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमारा बोया माइक्रोफोन है, ऊपर की तरफ मेरा राइट कंपनी का, पुराना मैं इसके पहले यूज़ करता था वो मेरा राइट कंपनी का, नीचे हमारा बोया माइक्रोफोन है। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी बोया माइक्रोफोन या मोबाइल से अपने उसका जो पिन है या कनेक्टर है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसको रिमूव करने के बाद आप साउंड को चेक करना, ठीक है। चलिए इससे पहले आप अगर ईयरफोन आपके पास है तो ईयरफोन ज़रूर यूज करें। सो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कनेक्टर को रिमूव कर दिया है, आप अभी फ़ैन भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर साउंड या नॉइज़ आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी वापस से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर वापस से मैं इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं माइक्रोफोन मेरा जो बोया वाला है वो कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोफोन कितनी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको रिमूव करती है। सो फ्रेंड इस वीडियो में हमने यह देखा कि जो माइक्रोफोन है कितना बेहतरीन ढंग से बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये माइक्रोफोन जो है वो बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करता है। तो ये इसको बाय करना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक में डाल रखा हूँ, वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट कर देना। अभी तक हमारे इस चैनल अमित टेक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।